हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 9, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 37। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। इससे पहले मैं इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। प्ले लिस्ट आपको मेरे चैनल पर जाके मिल जाएगी। प्रॉपर ऑर्डर में आपको सारी वीडियो अवेलेबल होंगी, वहाँ पे जाके आप सारी वीडियो को प्रॉपर ऑर्डर में देख सकते हैं। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में इन्हीं 13 ट्रांजेक्शन की हम जनरल एंट्री करना सीखेंगे। जनरल एंट्री करना बहुत ही आसान है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की पहली ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री, जो कि कह रखी है ओपन अ करंट अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक 1 लाख रुपीज। तो इसकी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में आएगा 1 लाख डेबिट साइड, 1 लाख क्रेडिट साइड। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव अ चेक ऑफ रुपीज 12,900 फ्रॉम चंद्रदेव एंड अलाउ डिस्काउंट 300 टू हिम। द चेक वॉज डिपोजिट टू बैंक ऑन द सेम डे। इसकी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू चंद्रदेव, अमाउंट के कॉलम में आएगा बैंक में 12,900, डिस्काउंट हमने 300 रुपीज का दिया, टोटल पेमेंट जो लेनी थी वो 13,200 रुपीज की लेनी थी हमें। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिए। अब करते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज मशीनरी फॉर 1 लाख, पेमेंट मेड बाय चेक, इंस्टॉलेशन चार्ज ऑफ मशीनरी 6,000 पेड इन कैश। तो परचेज की गई है मशीनरी, जो मशीनरी की कॉस्ट है उसको पे किया गया चेक के थ्रू, और जो इंस्टॉलेशन की फीस है वो कैश में पे कर दी गई। इसकी जो ट्रांजेक्शन होगी वो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। मशीनरी में आप लिखिए 1,06,000, बैंक के कॉलम में आएगा 1 लाख, क्योंकि 1 लाख की पेमेंट हमने बैंक के थ्रू दी है, और 6,000 कैश में आएगा। इसके बाद इसकी नरेशन लिखिए। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज ऑफ हॉर्स फॉर बिजनेस 4,20,000। तो इसके लिए आप यूज करेंगे लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिखे 20,000 डेबिट साइड, 20,000 क्रेडिट साइड। अब करते हैं इसकी नरेशन लिखिए। आप करिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड टू गो कूल एट अ लीज प्राइस ऑफ 4,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%, ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेल द कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे बिजनेस में सेल हुई है, साफ पता चला कैश में सेल हुई है, तो लिखिए कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में आएगा कैश में लिखिए 3,420, डिस्काउंट मिला है 180 रुपीज का हमने दिया है, टोटल जो सेल हुई है वो 3,600 रुपीज की हुई है। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखेंगे। आप करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी परचेज गुड फॉर 10,000 एंड पेड 400 फॉर कैरेज ऑफ दिस गुड। तो इसकी ट्रांजेक्शन होगी, इसकी जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में आएगा 10,000 परचेज में, 400 कैरेज में आएगा, टोटल जो कैश हमारे पास से गया है वो गया 10,400 रुपीज का। इसके बाद आप इसकी भी नरेशन लिखिए। आप करते हैं सेवन ट्रांजेक्शन, जो कि एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर 40,000। जब एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस किया गया तो हमारा कैश भी इंक्रीज हो गया, साथ ही कैपिटल भी इंक्रीज होगी। तो अमाउंट जो इसकी जनरल एंट्री होगी वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में 40,000 डेबिट साइड आएगा, 40,000 क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिए। आप करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज स्टेशनरी 800 रुपीज एंड पोस्टल स्टैंप 100 रुपीज। इसकी ट्रांजेक्शन होगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, स्टेशनरी में आएगा 800 रुपीज, पोस्टेज में आएगा 100 रुपीज, टोटल कैश हमारे पास 900 रुपीज किया। अब करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 9, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 20,000 रुपीज। तो मनी बैंक से विड्रॉ की गई है, मतलब की कैश हमारे पास इंक्रीज हो गया। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इसकी जनरल एंट्री होगी, अमाउंट के कॉलम में 20,000 डेबिट साइड आएगा, 20,000 क्रेडिट साइड आएगा। अब करते हैं 10th ट्रांजेक्शन, जो कि है रिसीव अ ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स ऑफ 40,000 फ्रॉम मन्नू एंड रिसीव 10,000 एज एन एडवांस टुगेदर विद द ऑर्डर। तो यहाँ पे भी सेल हुई है 40,000 रुपीज की, और 10,000 रुपए हमें एडवांस में मिल भी चुके हैं। इसकी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस अगेंस्ट सेल अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में आएगा 10,000 डेबिट साइड, 10,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिए। आप करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश 10,000 एंड गुड्स 4,000 रुपीज में स्टोलन। तो बिजनेस में से 10,000 रुपए का कैश और गुड्स 4,000 रुपए के चोरी हो चुके हैं, तो ये बिजनेस के लिए लॉस हो गया। इसके आप ट्रांजेक्शन करेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिखिए लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में आएगा टोटल लॉस हो गया 14,000 रुपीज का, कैश में लॉस हुआ 10,000 रुपीज का, परचेज में लॉस हुआ 4,000 रुपीज का। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिए। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड फ्रॉम देवेंदर फॉर 40,000 एंड द पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। तो हमने परचेज किया 40,000 का, उसी वक्त चेक के थ्रू हमने पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में आएगा 40,000 डेबिट साइड, 40,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिए। अब करते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी
सोल्ड 1/4 ऑफ द अबव गुड एट द प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कैश। तो 40,000 के गुड्स खरीदे थे हमने पिछले ट्रांजेक्शन में, 1/4 गुड बेचे, मतलब कि हमने 10,000 गुड्स को बेचा गया, 10,000 रुपीज के गुड्स बेचे, जिस पे 25% का हमें प्रॉफिट हुआ। तो 10,000 का 25% होता है 2,500। तो टोटल सेल जो बिजनेस में हुई है वो ये 12,500 रुपीज की। इसकी जो एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिखे 12,500 डेबिट साइड, 12,500 क्रेडिट साइड। अब आपके ये हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन थी, अब हम टोटल करेंगे तो डेबिट साइड आएगा हमारा 3,90,600 और क्रेडिट साइड में हमारा आएगा 3,90,600। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।